हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं अपने मेकअप का कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप अपने मेकअप का कलेक्शन हमें दिखाइए। तो यहाँ पे कुछ मेकअप के हैं मेरे, जो मेरे साथ रहते हैं। सारे नहीं हैं, अभी थोड़े से हैं, इससे थोड़े से बाकी और हैं जो मेकअप किट में हैं। तो चलिए, वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों में, फ्रेंड में शेयर करिएगा, और इसमें से जिन भी चीज़ों का आपको रिव्यू चाहिए होगा कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, वीडियो दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले ये मेरा वेट एंड वाइल्ड का आईब्रो पैलेट जो होता है, ये है एक, ये है और एक मेरे पास कलर बार का है। ठीक है, ये वाइट टोन क्रीम है, आपने देखा होगा 925 लक्ष्मी की ये क्रीम है। ओके, सीसी क्रीम है। फिर है, ये है बीबी क्रीम मैबलिन की, ये भी बीबी क्रीम मैबलिन की है। ये पता नहीं क्या है, ये पॉन्स का कुछ है। ओके, ये आपने देखा होगा ना, आप लोगों में से कई लोगों के पास होगा ये मैबलिन का। और ये है लैक्मी का, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, ये मुझे काफ़ी पसंद आया था वेट एंड वाइल्ड का। तो ये है, और एक ये है किसका, ये भी मैबलिन का है। और इन सबका रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो किसी ने मुझसे कहा था कि दी आप अपने मेकअप कलेक्शन का वीडियो शेयर करिए, तो मैंने सोचा कर ले, बड़ा टाइम लगा इन सबको एक पास बैठाने में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाएगा तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन से वीडियो और चाहिए। तो ये है आईलाइनर भी है, आप ग्लिटर के जैसे भी इसको यूज कर सकते हैं, हाइलाइटर के जैसे भी यूज करते हैं। और ये है लक्मी वाला, आप लोगों के पास, कई लोगों के पास होगा। कंसीलर है, ये कंसीलर है, ये ब्रश है, और मैं इसमें से अपने मोस्ट फेवरेट आपको दिखाती हूँ। ये सारे आईब्रो पेंसिल है, काजल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और ये है हाईलाइटर है, और ये SQ का हाईलाइटर है। आईलाइनर, ये आईलाइनर है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, ये आईलाइनर है लैक्मी का। तो इसका रिव्यू आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, प्लस मैं हाथ में ले लेती हूँ ना, तब आराम से हो जाएगा। तो चलिए, रुक जाइए। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, ये सारे कंसीलर है, ये फेस पैलेट है, एक मेरे पास शुगर का है, एक फेसेस कनाडा का, बस दो है मेरे पास। ये रॉयल ऑर का आई शेडो है, ये एवान का ब्लशर है, तो मैं इसे ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ ब्रश भी है, तो वो इधर उधर कहीं हो गया। अब काफ़ी खूबसूरत सा इसका कलर है, ये मैट लुक नहीं देता है, थोड़ा सा सिमरी लुक देता है। ठीक है, ये है, ये हाइलाइटर है। ठीक है, इसे आपने मेरे वीडियो में कई बार देखा होगा। एक यहाँ पे ये है वो ब्लशर, ये आई शेडो, एक आई शेडो, ये है वेट एंड वाइल्ड का, जो मैंने ज़्यादा यूज नहीं किया अभी इसको, तो मैं पुराना हो गया। और ये सब छोटे वाले जो होते हैं, ये काफ़ी अच्छा होता है, इसमें कि आप एक दो रख लो अपने पास। तो अगर आप बिगिनर हो, आपका बजट भी, मतलब इतना आपको मेकअप अच्छा नहीं लगता और इतना खर्च भी नहीं करना चाहते, तो इस तरह के पैलेट रख सकते हो आप। मिस रोज का ये है, ठीक है, और ये सारे में हैं। ठीक है, ये मेरे लिप कलर हैं, शुगर के हैं, वेट एंड वाइल्ड के हैं, मैबलिन का है। मैं आपको, मुझे ये कलर बार का कलर काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इस लिप कलर का कलर। तो मैं आपको खोल के ओपन करके दिखाती हूँ, ये देखिए। अभी मैंने उस दिन जो चैलेंज किया था ना, उस वजह से थोड़ी ये जख्मी हालत में है। और ये भी मुझे पसंद है, ये कलर देखिए, काफ़ी खूबसूरत सा ब्राउनी सा कलर है ये। तो ये दो कलर मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, वैसे तो मुझे रेड ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये है, और ये किसका है, रिवलॉन का है, रिवलॉन की लिप कलर है ये, और ये कलर भी काफ़ी अच्छा है लैक्मी का। प्लस ये सारे मिनी लिप हैं, ये भी, ये तो अच्छी कलर होती है, और ये लिप कलर है। प्लस ये कुछ ग्लिटर है, मतलब ठीक है, ये वाले ग्लिटर बल्कि वाले ग्लिटर से काफ़ी अच्छे थे। यहाँ ये सब ब्लशर हैं, और ये मेरे कुछ हेयर टूट गए, तो मैं आपको ये वाला ब्लशर दिखाती हूँ। एक ये है, इसे मैं कॉन्ट्रोल भी आसानी से कर लेती हूँ, और ब्राउनजर है, सॉरी, ये ब्राउनजर है, और ये ब्लशर है।
है, काफ़ी खूबसूरत सा कलर है इसका, और मिनी मतलब पाउच सा होता है तो पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाता है। पैकिंग बड़ी खूबसूरत सी है। ये हुआ, ये लिप कलर मेरे फेवरेट हैं ये वाले। ये काफ़ी, आप बताइएगा जब ये नए नए आए होंगे तो किसके किसके फेवरेट थे। और ये सब है, ये वाला काजल मैंने लिया था 10 रुपये का, ये बहुत मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है ये मुझे। तो देखिए एक और ये लिप कलर, ये मैंने लिया था NY की लिप कलर, तो वो मैं नहीं बता सकती कैसी है। और ये वाली भी लैक्मे की है, ये वाली मेरी दी की है तो मैंने उनसे ले ली थी। ये हो गया आपका सुनीता, मेरा मोस्ट फेवरेट हो गया है ये। ब्लू हेवन का वो है, ये फेसेस कनाडा का, ये सारे फेस मतलब फेस पाउडर है, फेसेस कनाडा का है ये क्या है, मेबलिन का है, रिवलॉन का, ये है फोटो रेडी। अगर आपकी शादी होने वाली है मतलब, या हो चुकी है, आप मेकअप के शौकीन हो, और मतलब इतना प्यारा है ना ये, मेरी शादी से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया था और अभी तक मैं यूज कर रही, मतलब मैं ले लेती हूँ इसको, और अराउंड ये 1400 के आसपास आता है। ओके, और ये आपका है लक्मे का, ये मेबलिन का है, प्लस ये रॉयल और का है, नीचे मेबलिन का रखा, आप देख लीजिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें, कुछ नेल पेंट है और मैंने ज़्यादा लगाया नहीं, वो है ये है, और ये एलिटीन का फेस पाउडर सॉरी फाउंडेशन है। उसके बाद इधर आ जाइए, ये क्या है, ये भी फाउंडेशन है, प्राइमर 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 है। ये है मेरे मेकअप स्टिक एक, ये है वेट एंड वाइल्ड का, ये सुगर का है फाउंडेशन स्टिक, और ये ओलिविया का है। और ये तो मैं आपको दिखा चुकी हूँ, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं, तो ये मेरे सारे क्या कहते हैं उसको, फाउंडेशन है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर मेबलिन का और मैं कलर बार का यूज करती हूँ, लैक्मी का ये वाला मुझे बहुत पसंद है, एलिटीन का ये वाला पसंद है, और ये ब्लू हेवन का, ये वाला इतना मतलब ये थोड़ा डार्क है तो इसका एक लाइट सेट भी है मेरे पास, तो दोनों को मैं मिक्स करके लगा लेती हूँ। पीछे वो मिस रोज का एक और पैलेट है, प्लस ये लोशन है। और देख लीजिए आप, यही सारे इतने ही प्रोडक्ट मेरे हैं। मेरे कुछ ब्रशेस यहाँ पे रखे हुए हैं, वाइट टोन जिसका मैं काफ़ी ज़्यादा यूज करती हूँ, और ये है मेरे ब्यूटी ब्लेंडर जो काफ़ी गंदे हो चुके हैं तो इनको मुझे क्लीन करना है, और ब्रशेस को भी क्लीन करना है। ये एक मेरा टाइम नहीं मिल पाया तो मैं इसका रिव्यू नहीं कर पाई। कभी कभी ये मुझे काफ़ी अच्छा लग जाता है फेस पैलेट, कभी कभी ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो जब मुझे लगेगा इसका रिव्यू कर लूँ, और जब मुझे ज़्यादा सही लगेगा तो इसका रिव्यू मैं ज़रूर से करूँगी। ओके, और मेरे जो मेकअप में ये ज़रूर रहता है, ये रहता है, ये रहता है, ये रहता है, आप सबको पता होगा। तो बस यही है अभी तो फ़िलहाल मेरे पास, और कुछ थोड़े हैं, थोड़े क्या, इससे भी इसके आधे के आधे होंगे, मतलब ज़्यादा नहीं है, कुछ दो तीन और पैलेट होंगे आईब्रो, ये दो तीन पैलेट और होंगे मेरे पास, ये वाले क्या कहते हैं इसको, आई शैडो पैलेट, और फाउंडेशन होगा, और एक मेकअप फिक्सर और इधर उधर रखा होगा। तो अगर मेरा जिस दिन मैं अपना मेकअप किट खोलूँगी वो दिन आपको दिखा दूँगी वो, तो आपको इसमें से क्या अच्छा लगा, और इन सारी चीज़ों में से अगर आपको किसी चीज़ का रिव्यू चाहिए होगा तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इसमें से मैं अपना मोस्ट फेवरेट मतलब एकदम वाला फेवरेट बताऊं क्या है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती, मुझे ये लिप कलर, ये जो मेबलिन की है, ये लिप कलर जब मैंने ली थी, जब मैंने परचेज़ की थी तो ये मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, लेकिन अब ये मेरी फेवरेट हो गई, ये लिप कलर है मेरा फेवरेट। ओके, और मेरी फेवरेट लिप कलर कहाँ गई, सुगर, ये दो लिप कलर है जो मेरी मोस्ट फेवरेट है, और एक है ये, वाओ, ये 3 लिप कलर है। तो अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए होगा तो मैं आपको ज़रूर दूंगी। तो अगर आपकी नई शादी होने वाली है तो आप इन तीनों को ले सकते हो, आई क्लोज करके यानी आंखें बंद करके ले सकते हो, काफ़ी खूबसूरत सा है। प्राइमर भी मुझे ब्लू हेवन का भी अच्छा लगता है, और सब अच्छे लगते हैं वैसे, जो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं मैं यहाँ रखी हूँ, बाकी सारे प्रोडक्ट मैं ज़्यादातर लेती भी नहीं हूँ, इतना मुझे मतलब जो अच्छे होते वही लेती हूँ। तो बस अब मैं जा रही थी आज मैं जा रही थी अपने इन सबको क्लीन करने, क्योंकि इधर 2 दिन 3 दिन लगातार मैंने मेकअप किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये है
ये है कलर बार का, ये कलर बार का है, ये हुडा ब्यूटी का है, और मेरे पास एक होगा हुडा ब्यूटी का और हॉर्न, ऐसे ही सब होंगे। तो बताइएगा कौन सा वीडियो चाहिए, इन सब में से किस चीज़ का रिव्यू चाहिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। मुझे पता है वीडियो अच्छे से नहीं बन पाया है, लेकिन मैं हाथ में लेके बना भी नहीं पा रही हूँ, तो प्लीज़ आपको इसमें से जिन चीज़ों का रिव्यू चाहिए होगा वो कमेंट में बताइएगा आप लोग। बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इसको बनाने में, इसको रखने में, अब 2-3 दिन तक ही मैं इसको ऐसे ही रखी रहूँगी, फिर हटाऊँगी।